हाय गाइस, मैं हूं दिव्यांश और आप सबका स्वागत है नए वीडियो में। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक कंपैरिजन लेकर आएंगे स्टोन 1000 और 1200 के बीच में, तो दोनों ही डिवाइस मेरे पास आ चुके हैं। दोनों का हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा डिवाइस आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बट उससे पहले मैं आप चीज़ बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन है। अगर आप उनके फुल रिव्यू देखना चाहते हैं, दोनों ही डिवाइसेज़ की अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ देखना चाहते हैं, तो उन वीडियोज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इनको चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इनके फीचर्स वगैरह और जो भी डिफरेंसेज आपको क्वालिटी में देखने को मिलती है, साउंड क्वालिटी में देखने को मिलती है, वो हम लोग बात करेंगे। बट सबसे पहले, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम लोग का जो प्यार है इस तरह से आगे बना रहेगा और हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेगी। फिलहाल हम लोग इस डिवाइस के साउंड टेस्ट वगैरह सुन लेते हैं, किस तरह की साउंड क्वालिटी मिलेगी, उसके बाद हम लोग फिर कंपैरिजन की बात करेंगे। तो गाइज़, आप लोगों ने साउंड टेस्ट सुन लिया है दोनों ही डिवाइसेज है, किस तरह की ऑडियो आउटपुट दोनों डिवाइसेज देते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि कौन सा डिवाइस किस डिपार्टमेंट में बेहतर है। बट फिर भी मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। तो पहले बात मैं यहाँ पे करता हूँ दोनों ही डिवाइसेज की साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस की। तो साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर जो बोट स्टोन 1200 देखने को मिलता है, जो नया वाला मॉडल है, इस मॉडल में आपको जो है थोड़ी सी साउंड क्लैरिटी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। यहाँ के जो वोकल्स हैं डिवाइस में वो काफ़ी क्लियर हैं, आपको वोकल्स काफ़ी अच्छे सुने देते हैं। वहीं अगर 1000 में बात करूँ तो वोकल्स उतने क्लियर नहीं हैं, जैसे अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, जो लिरिकल पोर्शन होता है सॉन्ग्स में वो आपको स्टोन 1200 में काफ़ी बेहतर सुने देता है एज़ कम्पेयर टू 1000। बात जब आती है डिवाइस के बेस की, तो मैं बेस में आपको एक चीज़ बता दूँ कि बेस में आपको जो है स्टोन 1200 थोड़ा सा कमज़ोर लगेगा एज़ कम्पेयर टू 1000 का जो बेस है थोड़ा सा हैवी आता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें पीछे काफ़ी बड़ा पैसिव रेटर आपको देखने को मिलता है। स्टोन 1200 का भी बेस अच्छा है, बट यहाँ पे जो थंपिंगनेस है वो आपको 1000 में देखने को मिलेंगे, जो आपको जो वाइब्रेशन फील होते हैं वो आपको 1000 में देखने को मिलेंगे। स्टोन 1200 में जो बेस है वो आपको जो है सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेबल के हिसाब से मेंटेन करता हुआ बेस आपको यहाँ पे मिलता है। दोनों ही डिवाइसेज की अगर मैं साउंड आउटपुट की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको स्टोन 1200 में थोड़ा सा आउटपुट कम लगेगा, 1000 का आउटपुट थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है। वैसे अगर आपने डेसिबल टेस्ट देखा होगा तो वीडियो में आपको अंदाजा लगेगा होगा कि जो स्टोन 1200 है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है 1000 के आगे लाउडनेस के मामले में। बाकी क्लैरिटी जो आपको थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी 1200 में। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि 1200 में ये चीज़ मुझे देखने को मिली कि जब फुल वॉल्यूम पर जब इसको प्ले करते हैं, यानी कि 100% वॉल्यूम पे प्ले करते हैं, तो एक हिस्सा साउंड सुनाई देता है जो थोड़ा सा अनोइंग लगता है मुझे। ऐसा लगता है कि डिस्टॉर्ट हो रहा है, यानी कि जो इसके जो ड्राइवर्स हैं वो उसको झेल नहीं पा रहे, वैसा वाला फील आता है। बट वही चीज़ मैंने 1000 में देखी कि अब 100% वॉल्यूम पर जब इसको प्ले करेंगे तो डिस्टॉर्शन वाला फील आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी क्लियर साउंड आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे यहाँ पर लगी। बाकी इस तरह का आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस दोनों में देखने को मिल जाता है। अगर बात करूँ फिजिकल ओवरव्यू की या मैं डिज़ाइन की
बात करूँ तो ये जो स्टोन 1200 जो है अभी नया लॉन्च हुआ है और सर्कुलर डिज़ाइन में हो, 360 डिज़ाइन में आपको देखने को मिलता है। इसका इम्पैक्ट आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप स्पीकर को सुन रहे होंगे तो 360 वाले में थोड़ा सा आपको सराउंड फील देखने को मिलता है। यहाँ भी फ्रंट में ही स्पीकर, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको सराउंड फील देखने को मिलता है। बाकी जो स्टोन 1000 है वो बिल्कुल एकदम सेंटर्ड वॉल्यूम आपको प्रोड्यूस करता है, जो दोनों ड्राइवर्स जो है वो फ्रंट में लगे हुए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बट अगर फिजिकल ओवरव्यू में बात करूँ तो स्टोन 1200 जो है सर्कुलर फॉर्म में आता है, ये थोड़ा सा जो है रेक्टेंगल शेप में है और बॉक्सियर है थोड़ा सा, और इसमें आपको स्ट्रैप देखने को मिलता है, इनबिल्ट स्ट्रैप देखने को मिलता है अगर आप इसको कैरी वगैरह करना चाहते हैं। वेट की अगर बात करूँ तो वेट में थोड़ा सा जो है 1000 लाइट वेट है एज कम्पेयर टू 1200, बट यहाँ पे आपको IPX रेटिंग जो है काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। ये IPX 7 रेटिंग के साथ आता है, मतलब कि 1200 जो IPX 7 रेटिंग के साथ आते हैं, IPX 5 रेटिंग के साथ आपको देखने को मिलता है स्टोन 1000। IPX 7 रेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जहाँ पर आप इसको पानी वगैरह के अराउंड भी, स्विमिंग पूल वगैरह के अराउंड भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा यह ध्यान रखेगा कि सिर्फ स्प्लैश प्रूफ कह सकते हैं अगर IPX 5 है तो। अगर बात करूँ दोनों डिवाइसेस में कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, तो 1200 में आपको काफ़ी सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप ऑक्स के थ्रू, USB के थ्रू, इवन आप ब्लूटूथ के थ्रू FM रेडियो भी आपको देखने को मिलता है इनबिल्ट। बट 1000 में वो चीज़ नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे ऑक्स के थ्रू इसमें म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। अगर ब्लूटूथ के अलावा अगर आपको कुछ सुनना है इसमें तो ऑक्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर इसके अलावा बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और चीज़ बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो है बैटरी में। तो यहाँ स्टोन 1200 में जो है 3600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और स्टोन 1000 में आपको जो है यहाँ पे 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। थोड़ा सा बैटरी का डिफरेंसेस है, बट यहाँ पे प्ले परफॉर्मेंस में भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। 1200 जो नए वाले हैं, यहाँ पे आपको 9 घंटे तक का प्ले परफॉर्मेंस कंपनी क्लेम कर रही है, और यहाँ पे जो है स्टोन 1000 यहाँ पे आपको 8 घंटे का प्लेबैक देखने को मिलेगा। एक चीज़ ये होती है कि परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है कि हम लोग कितनी वॉल्यूम पे सुन रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि, पर फिर भी 3600 mAh की बैटरी है तो ये ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको देगा। इसके अलावा अगर बात करूँ तो यहाँ जो बटन है वॉइस असिस्टेंट का आपको जो है एक देखने को मिल जाता है। खैर इसमें भी आप जो है कॉल वगैरह अटेंड कर सकते हैं, बाकी वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा 1000 में। 1200 में थोड़ी सी आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिल जाती है। लाइटिंग वगैरह की बात करूँ तो लाइटिंग वगैरह जो है थोड़ा सा इसको कूल बनाती है, वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्टोन 1000 थोड़ा सिंपल है। वैसे अगर दोनों डिवाइसेस अगर ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ मैं यहाँ, तो यहाँ पे आपको 1000 में जो है पुराना वाला देखने को मिलता है, पर वर्जन 2.1 आपको देखने को मिलता है ब्लूटूथ वर्जन। यहाँ पर जो है यानी कि स्टोन 1200 में जो है आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, तो कनेक्टिविटी जो आपको थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी स्टोन 1200 में। यहाँ पे अगर ड्राइवर साइज की बात करूँ तो दोनों ही डिवाइसेस में ड्राइवर साइज आपको सेम देखने को मिलता है, यानी कि 3 इंच के यहाँ पे 2 ड्राइवर्स यूज़ करे हुए हैं। और आउटपुट की बात करूँ तो वहाँ डिफरेंस मैंने नोटिस किया कि स्टोन 1000 थोड़े से लाउड पड़ जाते हैं एज कम्पेयर टू 1200। तो गाइस अगर मेरे पास ओपिनियन की मैं बात करूं, यानी कि देखो दोनों ही डिवाइसेस जो है अपनी पोजीशन पे काफी बेहतर हो जाते हैं, थोड़ा सा मुझे यहां पे स्टोन 1200 से जो है साउंड क्वालिटी में लगा कि यार आप नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी सी जो लाउडनेस है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इवन जो क्लैरिटी जो फुल वॉल्यूम पे देखने को मिलता है, यानी कि डिस्टॉर्शन फ्री साउंड देखने को मिलता है, वो चीज़ मुझे थोड़ी सी यहाँ पे लगी। और बेस एक मेजर कंसर्न हो जाता है, तो बेस उतना थंपिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, बट वही चीज़ 1000 में आपको जो है अच्छा देखने को मिल जाता है। ये जरूर है कि वर्जन पुराना है और लॉन्च भी काफ़ी पुराना है डिवाइस का, तो थोड़े बहुत फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो 1200 में। बट अगर आपका बजट है 2000 रुपये का, तो मैं ये कहूँगा कि आप स्टोन 1000 के लिए जाएँ। थोड़ा अगर आप एड ऑन करना चाह रहे हैं, यानी कि 3000 तक लेना चाह रहे हैं, तो आप स्टोन 1200 को भी देख सकते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि सेल वगैरह के टाइम पे जो स्टोन 1500 है वो आपको फ्लिपकार्ट पे 3000 का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वो एक बेहतर ऑप्शन हो जाता है अगर आपके पास, अगर आप इसी प्राइस पॉइंट पे एक बड़ा स्पीकर और ज़्यादा आउटपुट वाला और ज़्यादा बेस वाला स्पीकर देख रहे हैं, तो आप स्टोन 1500 भी देख सकते हैं। क्या जैसा आपको मैंने कहा था, कंपैरिजन ये रहा दोनों डिवाइसेस का। होपफुली अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल हो सके और वो भी अंडरस्टैंड कर सके कि दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस बेहतर रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैं साइन आउट करूंगा, आपसे जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेट रहेगा दो डी एक्सपर्ट के साथ।